इजराइल विजयी भव के संकल्प के साथ इजराइल के समर्थन में युद्ध में विजय की कामना के लिए काशी में विशेष जप हवन व अनुष्ठान किया गया। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे के नेतृत्व में यह विशेष पूजन हवन किया गया। काशी के भदोही स्थित नवदुर्गा मंदिर में 11 ब्राह्मणों द्वारा इजराइल के समर्थन में युद्ध में विजय की कामना के साथ यह अनुष्ठान हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष रोशन पांडे ने कहा कि हमने अपनी संगठन के साथ इजराइल जाने की इच्छा जताते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखा था। ना जाने की स्थिति में हम कम से कम माँ जगदम्बा देवी दुर्गा को प्रसन्न कर इजराइल को शक्ति प्रदान करने की कामना से काशी में 11 ब्राह्मणों को बैठाकर विशेष जप हवन व अनुष्ठान तो कर ही सकते हैं। रोशन पांडे ने कहा कि आज पूरी दुनिया इस्लामिक जिहाद व इस्लामिक आतंकवाद से कराह रही है। ये इस्लामिक आतंकवादी किसी को नहीं छोड़ रहे। रक्त बीज बने ये इस्लामिक जिहादी मानवता के असुर हैं। इन्हें समाप्त करना ही होगा। इसलिए हम माँ दुर्गा की शरण में हैं। जैसे माँ दुर्गा ने रक्त बीज और महिषासुर का वध किए, वैसे ही इस्लामिक जिहादियों का समूल नाश करेंगे। इसलिए हमने यह विशेष अनुष्ठान किया है। हम लोग श्री नवदुर्गा मंदिर भदैनी पे हम लोगों ने इजराइल के समर्थन में 11 ब्राह्मणों के साथ अनुष्ठान किया, जिससे इजराइल विजयी भव, यही संकल्प के साथ हम लोगों ने अनुष्ठान की शुरुआत किया। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ, जो कि असुरों को, राक्षसों को, दुष्टों को संहार करने के लिए अवतरित हुई थी, और इसी माँ दुर्गा की प्रांगण में हम लोग इस्लामिक जिहादी जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, इनकी समूल नाश करने के लिए इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को किया। राष्ट्रीय हिंदू दल के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने इजराइल के साथ खड़ी है इस युद्ध में। इजराइल को पूरी तरह से जीत मिले, माँ जगत जननी इतनी शक्ति प्रदान करे इजराइल के यहूदियों को, जो इस्लामिक जिहादियों से उनकी रक्षा हो, क्योंकि इस्लामिक जिहादियों की जो आतंकवाद है पूरी चरम पर है, पूरी दुनिया कराह रही है। इस्लामिक जिहादियों से न सिर्फ यहूदी बल्कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ये सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सभी लोगों की हत्याएं।